नमस्कार भैया, मैं आ चुका हूँ एक बार फिर तुम्हारी गैल। वैसे तो यार देखो, हम बात करते हैं एक्शन मूवीज की, कॉमेडी मूवीज की, हॉरर मूवीज की, और भी कई तरह की फिल्में बना रहे हैं हमारे देश में या पूरी दुनिया में। लेकिन भैया कभी कभी जो होकर है, एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर के दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती है, वो कुछ ऐसी चीजें पकड़ लेता है जिनके ऊपर वो फिल्म बनाता है, तो कुछ लोगों की चल जाती है गैंड और वो फिल्में हो जाती हैं बैंड। तो ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ पूरी पूरी 8 ऐसी फिल्में जो भारत में या तो बैन हो गई थी या फिर उन्हें कभी थिएटर पर रिलीज नहीं किया गया। लेकिन वो फिल्में आप कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बिना किसी बकचोदी के और शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो को मैंने IMDb की रेटिंग के अकॉर्डिंग सेट किया है, यानी कि सबसे कम से सबसे हाई लेवल वाली मूवी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो लिस्ट में सबसे पहला नंबर है अनफ्रीडम का। अनफ्रीडम एक ऐसी फिल्म है भैया जिसमें दो कहानी चल रही है, एक चल रही है न्यूयॉर्क में यानी कि अमेरिका में, और एक चल रही है दिल्ली में यानी कि अपने ही देश में। न्यूयॉर्क में जो कहानी चल रही है, वहाँ पे एक बहुत ही कट्टर मुसलमान है जो एक ऐसे मुसलमान को किडनैप कर लेता है जो बेचारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उदार दिल का है और बहुत ही सज्जन आदमी है। लेकिन न्यू दिल्ली में और अलग बकचोदी चल रही है। न्यूयॉर्क में चल रहा है कि भैया दो लड़की हैं और वो आपस में गुच्छम गुच्छी करती हैं, यानी कि वो आपस में मोहब्बत करती हैं, लेकिन समाज इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। तो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की प्लान करती है कि मैं दूसरी लड़की को किडनैप कर लूँगी और वो उसको कब्जा लेती है। धीरे धीरे तो ठीक चलता है कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद जिस लड़की का किडनैप होता है वो लड़की अब वहां से बाहर जाना चाहती है, और वो बाहर जा पाती है या नहीं जा पाती है, या वो मुसलमान आदमी दूसरे मुसलमान आदमी के साथ क्या करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। फिल्म 29 मई 2015 को अमेरिका में रिलीज हुई थी। भारत में ये फिल्म बैन थी, बैन ही रही, लेकिन आप अब इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। IMDb ने इस फिल्म को पूरे 5 नंबर दिए हैं 10 में से। अगर आपको इस फिल्म की कहानी सुनने में अच्छी सी लग रही है या थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है तो नेटफ्लिक्स पे जाकर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है लव। अब पहली वाली फिल्म में दो लड़कियां होती हैं जो आपस में गुच्छा मुच्छी करती हैं। जाए फिल्म में होकर हैं दो लड़के और दोनों के दोनों ही हैं संगीतकार, एक है गिटारिस्ट और एक गाने वाने लिख ले हुए जो भी कर रहा है वो। एक दिन किसी काम से जाते हैं बाहर, लेकिन बाहर वो जाके काम वाम तो खैर खाई करें, उनमें आपस में किसी भी वजह से, किसी भी अट्रैक्शन या आकर्षक की वजह से गुच्छम गुच्ची हो जाती है। अब उनमें से एक लौंडा तो रहता है बहुत ही काम में व्यस्त रहता है वो पूरे घंटे, लेकिन दूसरे वाला थोड़ा खाली रहता है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं तो ये साला इतना बिजी क्यों है। इसी चक्कर में लड़ाई होती है, वो करना चाहता है उसके साथ धक्का मुक्की और वो अपना काम में बिजी है दूसरे वाला, लेकिन इसी की वजह से दोनों के बीच थोड़ी तकरारें हो जाती हैं। आगे फिल्म में क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। IMDb ने इस फिल्म को दी है 10 में से 5.9 नंबर। वैसे तो ये फिल्म 2015 में बनकर तैयार हो गई थी और इसको पहली बार टैलिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, लेकिन ये पिक्चर भारत में नेटफ्लिक्स पर 1 मई 2017 को रिलीज हुई थी। इसमें जो एक लड़का है वो फिल्म के रिलीज से पहले ही ऊपर चला गया था, यानी कि हमारी दुनिया में आ चुका था, जिसका नाम था ध्रुव गणेश। अगली जो फिल्म है उसका नाम है एंग्री इंडियन गॉडेस, और ये फिल्म है 6 ऐसी लड़कियों की जो आपस में दोस्त है, और वो कुछ इस तरह की लड़कियां हैं कि बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, बहुत ही सब कुछ दुनिया में करना चाहती हैं। अचानक उनमें से एक लड़की सबको इकट्ठा करती है कि भैया आज मेरे घर पे आ जाना, तुम्हारी दावत, और दावत के टाइम पे वो उन्हें बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ और हमें एक बैचलर पार्टी करनी पड़ेगी। लेकिन वाय बैचलर पार्टी का एक नियम है कि वो लड़कियां सब कुछ करना चाहती हैं वाय बैचलर पार्टी में जो वो चाहती हैं, उसमें कैसे कैसे काम शामिल है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले वो सेक्स करना चाहती है, उसके बाद वो कपड़े उतार कर रोडों पर नाचना चाहती है, उसके बाद वो खड़े होकर बाथरूम करना चाहती है, उसके बाद वो भैया रोड पे आते जाते लोग अंत पंगे लेना चाहती है। तो इस तरह के कुछ काम वो करना चाहती है वो, जो कि काफी भयानक है। अब वैसे तो ये फिल्म 2015 में बन चुकी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने बोला कि भैया जाके कुछ सीन काटने पड़ेंगे, और इससे भैया डायरेक्टर हो गए खफा कि भैया हम जाए फिल्म को रिलीज ना कर रहे हैं। तो ये फिल्म फिर रिलीज होने से रुक गई थी, लेकिन आप इस फिल्म को
अभी भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म को आईएमडीबी ने 6.9 नंबर दिए हैं 10 में से, जो कि अच्छे हैं, और बाकी आप फिल्म देख लेना। चौथे नंबर पे जो फिल्म है, ये फिल्म बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट पे है भैया। तो और तो की ये फिल्म है जो कि आपस में गुच्छंगुच्छी करती है। कहानी ये होती है कि उन दोनों औरतों की शादी होती है एक ऐसे घर में जिसमें दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है भैया, ऐसे ही होंगे। लेकिन बड़ा भैया जो है वो किसी बाबा के चक्कर में आके भैया संन्यास ले लेता है, और जो छोटा वाला भैया है वो अपनी गर्लफ्रेंड से लगा पड़ा है। अब उन दोनों के चक्कर में इन दोनों का जीवन पूरी तरीके से खराब होगा भैया। वो ये दो औरतें उस घर में एक तो बंदी रहती है, कहीं बाहर आ नहीं जा सकती। उनको बस दो ही काम दिए गए हैं, एक लड़की घर की रसोई संभालेगी, मान की एक मम्मी है उसकी सेवा करेगी। उन्हें हो गए भैया 10-15 साल हो गए, कुछ ना हो रहा भैया। अब उन्हें भी तो कुछ चाहिए भैया, बॉडी है इसकी भी कुछ जरूरतें हैं। तो वो आपस में एक दिन आकर्षित हो जाती हैं। अब सीधी सी बात है भैया, उन्हें अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल गया तो वो आपस में रहना चाहती हैं। जाए चक्कर में खूब सारी लड़ाई होती है घर में। ये फिल्म कभी भी सिनेमा घरों में नहीं आई। इस फिल्म की जो डायरेक्टर है दीपा मेहता, उन्होंने ऐसी ही दो फिल्में और बनाई थी। एक फिल्म इस लिस्ट में शामिल है, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने इस टाइप की 3 फिल्में बनाई थी, लेकिन इस तरह का सिनेमा भारतीय जनता उस टाइम पर देखने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को बैन कर दिया गया और इंडिया में कभी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन इस फिल्म को अब आप खुल्लम खुल्ला यूट्यूब पर देख सकते हो। यह फिल्म 1998 में आई थी और आईएमडीबी ने इसे 7.2 नंबर दिए हैं 10 में से। तो लिस्ट के अंदर अगली फिल्म है मेरे भाई परजानिया। यह फिल्म है गुजरात में हुए 2002 गोधरा कांड के ऊपर, जिनमें भैया मुसलमान के घर जला दिए गए हैं। अब किन्ने जलाए का जलाए भैया वो तो आज तक छोड़ो। फिल्म के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए नसरुद्दीन शाह। कहानी कुछ ये है कि उस दंगों के दौरान उनका एक लड़का जो है वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होते हैं भैया। जाएगा बालक गायब हो जाएगा, भाई के दिल पे बीता है भैया, क्या दुख है, बहुत दुख भैया। वो जान सके और कोई ना जान सकता भैया। तो इसके ऊपर ये पूरी फिल्म है, गुजरात दंगों के ऊपर। ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। पिक्चर को आईएमडीबी ने 7.6 नंबर दिए हैं 10 में से। पिक्चर 26 जनवरी 2007 को सिनेमा घर में आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म को हटा दिया गया, क्योंकि काफी कुछ दिल दहलाने वाला इस फिल्म में देखने को मिला था। अब जैसा कि मैं तुमको बता रहा था कि दीपा मेहता ने 3 फिल्में बनाई थी जो समाज की कुछ बकचोदियों को उखाड़ के फेंक देती हैं, तो उसी लिस्ट की तीसरी फिल्म थी वाटर, दूसरी थी अर्थ। अगर आपने देखी हो तो ओम पुरी थे उसमें। यह फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे जॉनी ब्राइन और लीजा रे। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो है 2040 में विधवाओं के साथ एक बड़ी बकचोदी हुआ करती थी। एक तो पहले साले बचपन में ब्याह कर दग रहे, और उसके बाद अगर किसी लड़की का पति मर जा कर तो भैया उसको वो ऐसी जगह पे भेज दग रहे जहाँ पे उसकी की तरह की और औरतें रहती थी, यानी कि विधवाएं रहती थी, या तो किसी आश्रम में या ऐसी किसी एक जगह पर। ये कहकर कि ये जो हुआ है इसके साथ कि इसका पति मर गया है, इसके पिछले जन्मों का कर्म है। एक तो ये बड़ी लोड़ी वाली सोच है, और उसके बाद चलो थी तो थी। उसके अलावा इस फिल्म में जाति प्रथा, वैश्यवृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए थे। अब क्योंकि दीपा मेहता की पहले ही एक फिल्म बैन हो रखी थी और ये फिल्म को भी बैन होना था क्योंकि इसमें काफी सामाजिक मुद्दे उठाए गए थे। अब इस फिल्म की जो कहानी है वो 1940 में शुरू होती थी। एक छोटी लड़की थी, उसका पति मर जा करा भैया, उसे एक आश्रम में भेज तक रहे हैं जहाँ पे भैया उसके जैसी और औरतें रह रही हैं। वो थोड़ी छोटी थी लेकिन वहाँ बुढ़िया भी थी, जवान भी थी, लेकिन वहाँ एक लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसी की वजह से वो आश्रम का खाना पीना चल रहा था, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी और वो जाती थी कुछ ऐसे मर्दों के पास जो उनका इस्तेमाल करते थे और उसके बदले में उसको पैसे देते थे। उस पैसे से आश्रम चलता था, लेकिन उस औरत की सेटिंग हो जाती थी जॉन इब्राहिम से, और फिर जॉन इब्राहिम को उसके बारे में कुछ ऐसा पता लगता है जो काफी काफी दिल को सुकेर देने वाले था। और इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही खतरनाक है, और इस फिल्म को आप यूट्यूब पर खुल्ला खुल्ला देख सकते हो। ये फिल्म 2005 में बनकर तैयार हुई थी और इसको काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, लेकिन फाइनली इस फिल्म को इंडिया में लाया था 9 मार्च 2007 को।
अगली फिल्म जो है वो है एक फुटबॉलर की। अपने फुटबॉल के लिए वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही जुनून है उसमें। उसको एक ऐसा कोच मिलता है जो उसे ब्राजील में खेलना देखना चाहता है, लेकिन उसके साथ एक गंभीर समस्या ये है क्योंकि एक तो वो लड़का है कश्मीर को। अब उसका जो पिताजी था वो गलत कामों में था, यानी कि उसके बाहर विदेश पड़ोसी देशों से कुछ अनलीगल रिलेशनशिप थे, जिसकी वजह से उसको भारत छोड़कर जाना पड़ता है। और वो तो भारत छोड़कर चला जावे, लेकिन उसके बाद उसके घर वालों को और उसके लड़के को, जिसका नाम है बशारत, 18 साल का लड़का, उसको कश्मीर के नेता लोग अब बिल्कुल खेलना नहीं देखना नहीं चाहते। उसका नाम गंदा हो चुका उसके बाप की वजह से, जिसकी वजह से उसको वीज़ा नहीं मिलता, उसका पासपोर्ट नहीं बनता, कुछ नहीं होता। और एक टैलेंटेड लड़का जो है तब जाता है कश्मीर की वादियों में। इस सब के ऊपर ये फिल्म है। फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है और आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हो। और फिल्म को IMDb ने 7.8 नंबर दिए हैं 10 में से। फिल्म आई थी 10 अक्टूबर 2010 को। हालांकि ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी और फिल्म इंडिया में बैन भी थी। तो आखिरी जो फिल्म है वो है भैया मेरे चहेते डायरेक्टर अनुराग कश्यप की, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा था और जिसका नाम है ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे जो फिल्म है भैया यू है बेजू इवेंट पे, जो कि 1993 के बॉम्ब धमाकों के ऊपर ये फिल्म है। और किस किस तरीके से वो धमाके हुए थे, क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, कितने लोग मरे थे, कितने लोग घायल हुए थे, इस सब के ऊपर ये फिल्म है। फिल्म के अंदर आप कैकी मेनन देखने को मिल सकते हैं, उनकी अच्छी एक्टिंग, और भी अच्छे कलाकार इस फिल्म के अंदर हैं। फिल्म को बिल्कुल सिनेमा घरों से दूर रखा गया और फिल्म बैन थी। इस फिल्म को IMDb ने 8.4 नंबर दिए हैं 10 में से, जो कि बहुत ही खतरनाक नंबर है भैया। और इस फिल्म को आप देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो दोस्तों यही 8 फिल्में थी आज की वीडियो में, जिनके बारे में मैं तुमको बताना चाह रहा था, जो कि फिल्में बैन थी इंडिया में, लेकिन अब आप इनको देख सकते हो। तो काफी दिल को तकलीफ में पहुंचाने वाली ये फिल्म थी। बहुत लोगों ने इस लिस्ट की मूवीज देखी होंगी, किसी ने कोई सी देखी होगी, किसी ने कोई सी देखी होगी। तो जिसने भी जो भी नहीं देखी वो जाके देख लेना भैया। और मेरी तरफ से आज इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और गंदी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। बाकी सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई, बाय बाय बाय।